गूगल प्ले स्टोर पर वापस आया पेटीएम। कंपनी ने ट्वीट कर किया ऐलान। गूगल प्ले स्टोर से हटाए जाने के 24 घंटे के अंदर ही पेटीएम ऐप ने एक बार फिर से प्ले स्टोर में वापसी कर ली है। पेटीएम ने ट्वीट के जरिए लिखा कि वो वापस आ गए हैं। आज ही गूगल ने डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस ऐप पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटाने का ऐलान किया था। गूगल के मुताबिक पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया। ये कार्रवाई आने वाले आईपीएल टूर्नामेंट और पेटीएम के द्वारा स्कीम को देखते हुए लिया गया था। गूगल की एक पोस्ट के मुताबिक गूगल ऐसी ऐप को जगह नहीं दे सकता जो ऑनलाइन कैश वाले गेम, जुए या सट्टे को आयोजित करते हो। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के जरिए पैसे जीतने का दावा करती है। मुख्य एप्लीकेशन के साथ पेटीएम फर्स्ट गेम्स को भी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। भारत में पेटीएम इस्तेमाल करने वालों की बड़ी संख्या मौजूद है। ऐप एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। वहीं अब पेटीएम गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। गूगल ने साफ कर दिया था कि उसके फैसले के लिए सिर्फ ऐप के डाउनलोड पर ही असर पड़ेगा। जो यूज़र इसे इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। हालांकि नए फैसले के बाद अब पेटीएम ऐप एक बार फिर से डाउनलोड किया जा सकता है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कंपनी ने सफाई दी है कि उसे हाल ही में पेटीएम क्रिकेट लीग की शुरुआत की थी, जिसमें यूज़र हर लेन देन के बाद क्रिकेटर को स्टीकर भेज सकेंगे, पा सकेंगे, जिस पर उन्हें पेटीएम कैशबैक का भी ऑफर किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक भारत में कैशबैक गैरकानूनी है। कंपनी के मुताबिक उन्होंने नियमों के मुताबिक ही काम किए हैं। फिलहाल पेटीएम एक बार जरूर लौट आया है, लेकिन जिन लोगों के पैसे पेटीएम में जो राशि थी, किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। ये पेटीएम ने ट्वीट के जरिए सूचित कर दिया था लोगों को। सिर्फ नए डाउनलोड्स को बंद किया गया था। प्ले स्टोर से पेटीएम गायब हो गया था, लेकिन फिर से पेटीएम गूगल प्ले स्टोर में आ गया है।